स्वागत है गाइज इंडिया रेवस पर आज हम बात करने वाले हैं दो अमेजिंग मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की मेरे पास में टाटा की नेक्सॉन आज एंड साथ ही साथ एक्स यूवी थ्री डब्लो भी है अब ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे की नेक टू नेकवल है ऑल दो महिंद्रा जो है वो इतनी सेल्स से जनरेट नहीं कर पाता है मेरे ख्याल में वन थर्ड के करीब ही सेल्स जो है वो जनरेट कर पाता है बट ऑन द अदर हैंड नेक्सॉन इज सेलिंग लाइक पैनकेक्स है और तकरीबन दस हज़ार ग्यारह हज़ार लास्ट मंथ तो तेरह हज़ार यूनिट भी जो है वो इसने टच करी है तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से ये टाटा की रहती है आज हम क्या कंपेयर करने वाले हैं रिव्यूज हमने बहुत सारे देखे हैं गाइज और एक्स यू का कंपेरिजन भी देखा है नेक्सॉन के साथ में आज हम कंपेयर करने वाले हैं

ऑन दर हैंड अगर मैं महिंद्रा एक्स्यू वी की बात करूं तो ये बूट स्पेस में थोड़ी सी कम है और इसका बूट स्पेस जो है, वो 257 है अब 100 लीटर्स का ऑलमोस्ट जो है, वो है दोनों के ही बूट स्पेस में। कैसे ये होता है देखते हैं जरा सबसे पहले हम लोग चेकआउट करेंगे नेक्सॉन का बूट स्पेस फिर कंपेयर करेंगे एक्स यू के साथ में और यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे पास लगेज रखे हुए काफी सारे बैग्स हैं अटैचिज हैं सूटकेस है एंड बॉक्सेज हैं तो स्टार्ट करते हैं और मैं फिटअप करना स्टार्ट करता हूँ फॉर्मूला uh, पे मैं उधर भी जो है वो uh, इनको अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा देखते हैं कहां तक एक दूसरे को ये कंपेयर करती है और गाय right आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारा सामान जो है वो एक लेवल तक आ गया है यहाँ तक लेवल अप हो गया है अब इसके बाद भी मैं चाहूँ तो बहुत सारा सामान ऊपर रख सकता हूँ एंड उसके बाद जो है वो ये वाला बॉक्स भी आ सकता है तो अभी इस सामान की जगह एक्चुअली में है यहाँ पे ये यह देखो आप इधर से भी देखोगे यहाँ पे सामान बचा स्पेस जो है वो बचा हुआ है और इस तरफ भी जो है वो स्पेस आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पेस बचा हुआ है तो मेरे ख्याल में एक बैग और इधर आ सकता है एंड कुछ छोटा मोटा सामान जो है वो इधर आ सकता है उसके बाद में जो है ये कंप्लीटली फिल हो जाएगी तो अभी मैं बंद करके दिखाता हूं आपको देर इट इज अब हम लोग शिफ्ट करते हैं इसी सामान को ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर में एक्स्यूवी थ्री में और चेक करते हैं कि ये कितना अकोमोडेट कर पा रही है गाइस यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो स्पेस कुछ ज्यादा एक्चुअली में बची नहीं है तो गाइस अगर आप इस तरफ देखेंगे तो कुछ ज्यादा स्पेस एक्चुअली अब बची नहीं है तो थोड़ा सा उधर स्पेस बचा हुआ है तो मैं उधर एक बॉक्स या एक बैग रखने की कोशिश करूंगा बॉक्स तो नहीं आ पाएगा आई बिलीव बैग आ जाए हाँ जी और एक बॉक्स इधर मैं रख सकता हूँ अगर ये गिरा तो बंद करके देखें क्या नहीं ये बंद नहीं हो रहा है और अगर मैं इसको रख दूं तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि स्पेस बिल्कुल या ये आ भी नहीं पाएगा मुझे लग रहा है ओके अच्छा ये फंसाना पड़ रहा है नहीं ये नहीं आ पाएगा सो

और काफ़ी इजी इनग्रेस आपको यहाँ पे महसूस होगा इस गाड़ी में क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है 180 एट्टी mm मिलोमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है कंपैरेटिव टू नेक्सॉन अब यहाँ अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड्स वगैरह आपको काफ़ी बेसिक नज़र आएंगे ऐसा कोई बहुत इनोवेटिव डिज़ाइन एक्चुअली नहीं है ठीक ठाक डिज़ाइन आपको लगेगा प्रैक्टिकलिटी के लिए एक बड़ी सी स्पेस यहाँ दी गई है आप ईजिली अपना वॉलेट वगैरह जो है वो बड़े आराम से यहाँ पर रख सकते हो फ़ोन वगैरह रख सकते हो इनफैक्ट जो इसका ग्लव बॉक्स है वो भी काफी अंदर तक जो है वो दिया गया है अपने मास्क वगैरह वॉलेट फोन वगैरह आप इधर रख सकते हो और अगर आप इस सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ स्पेस दी गई है इधर जो है वो आपको कैन होल्डर्स मिलते हैं एंड एक आर्म रेस्ट भी मिलता है जिसके अंदर काफी सारी स्टोरेज स्पेस है गाइस मैं अगर विंडो पैनल की बात करूं तो यहाँ पे काफी सारी स्पेस दी गई है जिसमें आप अपना मैगजीन न्यूज़पेपर वगैरह तो रख ही सकते हैं इसके अलावा दो बॉटल होल्डर्स यहाँ पर ऑफर की गई है गाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटीरियर्स की तो मुझे इसका फैब्रिक काफ़ी पसंद आया इनफैक्ट जो हैडरूम है वो भी सफिशियंट इनफ है क्योंकि इसके अंदर सन रूफ है तो उसके लिए भी स्पेस बनानी पड़ती है रिक्लाइन एंगल इज़ नाइस आप उसको एडजस्ट कर सकते हो और अंडर थाई सपोर्ट भी जो है वो इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो uh, इसके जो एक्चुअली सीट्स हैं वो मुझे कंपेरेटिव नेक्सॉन्स की ज़्यादा प्रीमियम फील कराती हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट रेस्ट है अभी नेक्सॉन में देखते हैं क्या क्या प्रैक्टिकलिटी रिपोर्ट्स उधर निकल के आती है गाइज़ uh, यहाँ पे मैं इंग्रेस करता हूँ और uh, हालांकि मेरे लिए तो यहाँ पर भी इंग्रेस करना काफ़ी इजी था कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर महसूस होती हुई नज़र नहीं आई इसका जो डैशबोर्ड है इसका सेंटर कंसोल है वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड और बिजी लगेगा आपको लगेगा कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको नजर आएगा कि ये ज़्यादा फ्रेंडली बनाया गया है आप सामान ज़्यादा जो है वो स्टोर इसमें कर सकते हैं मैं बताता हूँ क्यों पहले तो अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन डैशबोर्ड देखें तो इसको भी इसके अंदर देखो काफ़ी सारी स्पेस तो दी गई है यहाँ पे कैन होल्डर दिया गया है पेन होल्डर दिया गया है कार्ड होल्डर दिया गया है कुछ वॉलेट होल्डर दिया गया है इनफैक्ट इसकी अपर ट्रिम्स में ना यहाँ पे ट्रे भी आती है तो वो ट्रे को आप निकाल सकते हो और दोबारा लगा सकते हो कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है अगर आप यहाँ पे भी नजर डालेंगे तो बॉटल होल्डर दिया गया है उसके साथ में कुछ स्पेस अलग दी गई है अम्ब्रेला होल्डर भी आपको यहाँ पे मिलता है बट ये एक्चुअली में छोटा है एक्स थ्री डब्लू के डुअल बॉटल होल्डर मिलता है गाइस अगर आप सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलता है जहां पर आप अपना फोन वगैरह रख सकते हो दो कैन होल्डर आपको यहाँ पर मिलते हैं एंड एक कैन होल्डर यहाँ मिलता है बट एक्चुअली ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट नहीं है जिस वजह से क्या है ना कि यहाँ पे स्पेस नहीं दी गई है आमरेस्ट नहीं दिया गया उसमें आमरेस्ट दिया गया और उसके अंदर ना एक स्लाइड जाती है जो उसको ज्यादा प्रैक्टिकल बना देती है उसके अंदर जो है वो स्पेस काफी सारी हो जाती है उस लिहाज से और अगर आप बात कर लेते हैं सीटिंग पोस्टर की तो जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफी अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे हेडरूम भी जो है एक्स्यू वी थ्री डब्ल्यू से मुझे अच्छी लग रही है पे एंड रिक्लाइन एंगल वगैरह जो है वो आप एडजस्ट uh, कर सकते हो एंड द रीजन इज यहाँ पे और हेडरूम सही होने का रीजन ये है कि यहाँ पे सन रूफ एक्चुअली नहीं दी गई तो सन रूफ वाले वेरियंट में हल्की फुल्की जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आएगी बट आई स्टिल फील लाइक कि इसकी जो है वो ज्यादा बेटर है एक्स यू थ्री डब्ल्यू के कम्पेरिजन में अब जो कंपैरिजन में अच्छी नहीं है वो है इसकी फिट एंड फिनिश एंड द प्लास्टिक क्वालिटी तो जो स्टैंडर्ड्स हैं एक्चुअली एक्चुअली थ्री डब्लो के वो सेंगयोंग बेस्ड टिवॉली के ऊपर ज्यादातर स्टैंडर्ड सेट हैं और ज्यादातर उसके इंटीरियर्स की क्वालिटी फिट एंड फिनिश जो है वो वहीं तक जाती है और स्टैंडर्ड तक जाती है बट यहाँ पे टाटा नैक्सॉन जो है एक्चुअली होम ग्रोन प्रोडक्ट है जिस वजह से कहीं ना कहीं वो फिट एंड फिनिश में वो डिजाइन लैंग्वेज जो टाटा की पहले से चलती हुई आ रही है वो यहां पर अभी भी रह जाती है तो टाटा ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो फिट एंड इंटीरियर की क्वालिटी इन सब पे काम तो किया है बट वो एक्चुअली थ्री डब्लो के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रही है ये भी कहना मैं जरूरी समझूंगा कि एक्स थ्री डब्लू के अलावा जितना भी महिंद्रा के प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली महिंद्रा बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं नॉट किसी इंटरनेशनल यू नो ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसके स्टैंडर्ड फिर भी लो है जैसे कि आप स्कॉर्पियो समझे या बुलेरो समझे या एक्स यू आप समझ सकते हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स उनके लो हैं फिट एंड फिनिश फिनिशन प्लास्टिक क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी के मामले में Uh, बाकी तो ओवरऑल uh, मुझे लगता है कि दोनों के इंटीरियर आते हैं इंटीरियर के मैं की बात कर रहा हूँ फिलहाल रियर रो का तो यहाँ का कंफर्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ अंडर सपोर्ट इज डीसेंट बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट ठीक है रिक्लाइन एंगल इज नाइस ये स्प्लिट होने वाली सीट्स है ये है कि इसके बीच वाले पैसेंजर के लिए भी जो है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है विच इज अ ग्रेट पॉइंट और ये कंसीडर करना चाहिए जो पीछे मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा वो ये कि आपके पास में आ, पीछे जो है वो कुछ भी सामान रखने की ऐसा अच्छा प्रॉपर जगह नहीं है आप यहाँ पर बॉटल वगैरह तो फसा सकते हो इन जगह पर बट कुछ ऐसा सॉलिड चीज नहीं रख सकते हो तो पीछे की एसी वेंट्स भी यहां पर मिसिंग है और कोई भी चार्जिंग स्लॉट एक्चुअली पीछे अवेलेबल इस वाले वेरिएंट में तो नहीं है और बाकी अगर मैं की बात करूं तो मेरे ख्याल में चार उंगलियां मेरी यहां पर आ जा रही हैं और शोल्डर रूम भी जो है वो सफिशियंट इनफ है एंड ऑलमोस्ट जो है वो उसका फ्लोर हम्प भी यहां पर काउंट होता है तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये मुझे थोड़ा सा वीक लगी क्योंकि पीछे कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पेस नहीं है बस एक बॉटल होल्डर को छोड़कर यहाँ पे गाइज अब जो है मैं इस तरफ आ चुका हूँ अब यहाँ पर आप देखोगे कि बिल्कुल भी लेग स्पेस मेरे पास में नहीं है अब इसका मतलब ये नहीं है कि लेग स्पेस नहीं है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो इन्होंने फ्रीडम दिया है वो ज्यादा दी है नेक्सॉन नेक्सॉन की तो अभी Nexon में चेक करते हैं कि ये मूवमेंट कितनी है और स्पेस आगे और पीछे की कितनी बचती है आपके पास गाइज अगर आप इस सीट पे आओगे तो आपको रियलाइज होगा कि अंडर था सपोर्ट जो है वो लिटरली इसका लाजवाब है और कंपेरेटिव एक्सप्रीज रीडो मुझे इसका अंडर काफी अच्छा लगा हेडरूम भी जो है वो मुझे पाँच फिंगर्स यहाँ पर मिल रही है जो कि मुझे एक्स यू डब्ल्यू में चार फिंगर्स मिल रही थी तो हेडरूम इसमें भी ज़्यादा है पीछे कोई भी ऐसा आ, लाइट वगैरह नहीं है जो आप पीछे शेयर कर सको और इसके बीच वाले में भी जो है वो एडजस्टेबल हेड नहीं आता है अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट ले रहे हो तो ये तो टॉप ऑफ द लाइन नहीं है जिस वजह से इसमें फिक्स्ड ही आ रहे हैं बट हाँ अगर मैं फ्लोर हम की बात करूँ तो वो हल्का सा है जितना एक्सी थ्री में आप फील करोगे उतना ही प्रैक्टिकलिटी के नाम पर यहाँ पे जो है वो आपको बॉटल होल्डर मिलेगी पीछे ए सी इवेंट जरूर जो है कंपेरिटिवली तो कि कम स्पेस है अब जरा बात कर लेते हैं कंक्लूजन की तो मैं कंक्लूड इस तरीके से करूंगा कि वो लोग जिनको एक्चुअली अक्सर ज्यादा लगेज के साथ में चलना होता है हाईवे पे निकलते हैं वो पिकनिक वगैरह करते हैं या ट्रेवल एंथियर्स उनके पास में लगेज ज्यादा होता है तो नेक्सॉन इज अ बेटर कार टू हैव हेयर क्योंकि वो अकोमोडेट भी एक्चुअली ठीक कर देती है पीछे रियर रो में स्पेस भी ओके ओके रहती है बट ऑन द धर्न अगर आपके पास में एक्स यू वी थ्री डब्लो है और आप ज़्यादातर जो वो रियर स्पेस को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं आपके जो माता पिता हैं वो पीछे बैठते हैं उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो मेरे ख्याल में एक्स यू वी थ्री डब्लो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर ऑफ़र करती है स्पेस इंटीरियर स्पेस यानी कि एक्स यू वी थ्री डब्लो के अंदर ज्यादा है और अगर हम बात करें बूट स्पेस या प्रैक्टिकलिटी या यूटिलिटी स्पेस की बात करें तो नेक्सॉन इज अ क्लियर विन हेयर बड़ा अग जल्दी ही आने वाले टाइम में हम इन दोनों की ड्राइव एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं शूट आज ही कर लेंगे लेकिन हफ्ते दस दिन बाद में आपके लिए डिलीवर करेंगे सो वो लोग जो एक्चुअली इन दोनों गाड़ियों में कन्फ्यूज हैं और चाहते हैं केवल और एक केवल ड्राइव कंपेरिजन तो वो जरूर यहां पर वेट कर सकते हैं एंड हम लोग जल्दी जो है वो डालने वाले हैं मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में आप तब तक अपना ध्यान रखिए सुरक्षित चलिए अंडर फॉर द नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड कीप लग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग ड्राइव सेफ गाइस